बड़े सवेरे मने उठना रोज पड़े, चाकी जो हूँ दूध भी लाऊँ तू मेरे बराबर बता कड़े। इतना करती काम फिर भी रोजाना मेरी गाय लड़े, मैं के ठाला बैठा सूँ, रोज खेत में जाऊँ सूँ, डाकर धरती माड़े नारे सारा दिन अड़वाऊँ सूँ। कित अकल डिगर की तेरी तो बात मान ले मेरी, ओ पिया टूब गढ़ा दे सारी हो, लालन दे टूबाल खेत में अच्छी खेती क्यारी हो। सभी दर्शकों मंजीत कुंडू किनाला की राम राम। आज अपने ही गांव पावड़ा के अंदर, गांव पावड़ा तहसील उकलाना डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा, आप सब ने देखा होगा पिछला जमाना में भी कवि होया करते, आज जिसको हम राइटर बोलते हैं, पिछले जमाना के अपने लेखक होया करते जो पावड़ा गांव से अपने ताऊ रणधीर जी, उस टाइम के भी कवि कोई नॉर्मल कवि नहीं थे ये, बहुत जाने माने जिसका नाम था हरियाणा के अंदर, एक ऐसे महान कवि है अपने साथ, तो इनसे बातचीत करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। तो आप सब ने किसान की मेहनत देखी होगी, लेकिन उस मेहनत के पीछे किसान का दर्द किसे किसे ने देखा जा देखना हो है, आज ताऊ ने वो दर्द इस किताब के पन्ना में उतार रखा है। आज वो दर्द आप ते भी सुनावांगे दिखावांगे, सुनाता हूँ दर्द। जाग ले किसान भाई क्यों निंद्रा में सोवस है, मौका मिल गया आज तने क्यों वक्त सुनहरी खोवस है। सारा देश तरक्की कर गया तालीम सीख पढ़ाई है, पूरी कर गए मांग सभी में अप अपनी चतुराई है। जिनकी बन गई यूनियन वह सब बच गए आज बुराई है, तू भी किसान एकता कर ले मिलके भाई भाई है। बंदी बुहारी सब कुछ कर दे के एक सीख तो होवस है, मौका मिल गया उस तने क्यों बख्श नहरी खोवस है। रे तू अन्नदाता थपे देश का, होता तेरा गुजर नहीं, दिन और रात कमाए जासे फिर भी भरता उधर नहीं, और किसी का आगे कुछ कहने का तेरा उधर नहीं, यह साल रह जागी तो होगा बिल्कुल सुधर नहीं। बैठ गाल में तू बात पुरानी पिछले झगड़े जो होवस है, मौका मिल गया उस तने क्यों बख्श नहरी खोवस है। जब तक आदत ना बदलेगा और दूसरा राह को न्या, संगठन यूनियन मेल करे मैंने पेट भरा ही खा को न्या, राह रीति और राजकाज की बात सुनन का चाह को न्या, कठिन कमाई तेरी उपज का मिले ठीक सर भा को न्या, दुम छल्ले तेरी खाएगे कमाई जो ना काटे ना बोमस है, मौका मिल गया आज तने क्यों बख्श सुनहरी खोवस है। खाद बीज की घनी कमी मिट्टी पानी की कठिनाई ना, माल गुजारी चले बराबर कुछ भी वही रिहाई ना, जितना मान सरकारी तेरी करता कोई सुनाई ना, जे हो जा कदे बीमार रजा से मिलती तने दवाई ना, रणधीर सिंह तेरे माल से दो बूंद पड़े जब सोवस है, मौका मिल गया तने क्यों बख्श सुनहरी खोवस है। एक और है किसान ना पता उन्हें एक और सुना रखा है, वो इससे भी जबरदस्त है। आजादी का फायदा सकल जहान ठा गया, शोषण चाकी में एक गरीब किसान आ गया, दिन तू दिन और रात कमावे काटे भूख कह ना पावे, तेरी जिन्स मुफत में जावे नीचे गिरता भा गया, शोषण चाकी में एक गरीब किसान आ गया। मैंने देखा यो दस्तूर रहे तू सब तरिया मजबूर, ना कुछ तेरा कसूर खून दुम छल्ला खा गया, इसी करे चतराई कदे सस्ती कदे महंगाई, तेरी कमाई लुटन का यो रास्ता पा गया, डाग करे ना टाला तो कुछ कर ले उपराला, रणधीर पावड़े वाला भीतरे आगे गा गया, शोषण चाकी में एक गरीब किसान आ गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात बताई है ताऊ ने कि सारा देश आज तरक्की पर है, कौन सा वर्ग देख लियो हर वर्ग आज तरक्की पर है, लेकिन भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक किसान एक ऐसा है जो अगर अपने अकेले भी उठता है तो भी उस पर लोग उंगली उठाते हैं कि नहीं ये नीचे ही ठीक है, जो आज सारा देश का पेट भरता है, आज उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, उनको अच्छा भोजन खिलाने के लिए सक्षम नहीं है, तो कुछ और भी गीत लिख रखे था उन्हें, उनके बारे में भी जानेंगे ताऊ पर सुनेंगे। उस जमाना में मतलब जिस टाइम ये जवान थे तो उस टाइम के ड्रामे होया करते, वो आज इस ताऊ तो भी पूछेंगे के ड्रामे कराया करते तो पहला ड्रामा तो
अच्छा मनगढ़ंत कहानी है हाँ। जैसी संगत र वैसी रंगत हाँ। इसमें एक गाना जो इब सुनावांगे और उस मौके का से वह घरवाली किसी एक बुढ़िया ने बका दी हाँ। अब तुम अपनी टूम गढ़वा ले। अच्छा वो आया घराल आया तब वह खड़ी एक पास बैठ की पूछने लगा कि हाल चाल से ने बोलिया कि मेरी टूम तो एक भी कोई नहीं और मेरी टूम गढ़वा दे। समझाने की उसने कोशिश करी लेकिन वह मानी नहीं तो इस गीत द्वारा उसने के कुछ कहा के सुनिया कि अकल डिगर की तेरी तो बात मान ले मेरी ओ पिया टूब गढ़ा दे सारी हो लालन दे टू वाल खेत में अच्छी खेती क्यारी हो। दूसरे नंबर पर कर दे तू आज पिया तोड़ सही बात का बोझ ना चका हुआ इतना ब्योंत नहीं गात का मारी वीर की जात का गहना शोभे भारी हो खाद बीज का खर्चा ला जा जो अच्छी पैदावारी हो। गंठी रे माला बिना खाल दियो गढ़ मेरा करेगी खराब माटी पाठ लिया मन मेरा जान गई मतलब तेरा कोने चना मारी हो इब तुम बात मानती ना फिर पाछे से दुख भारी हो। फिर बताया मेरा बता दे पिया घर में के सिर कोन्या सोचे बेचारा नहीं काम की वह वीर कोन्या लागते के तीर कोन्या बोल नहीं मारे सारी हो कया पति का नाम मानना वह घर में दुश्मन नारी हो। चौथे नंबर में बताया अख छोड़ के न जाना होगा तेरा यो घर बार मन अच्छी न लागे तेरी खामे खा तकरार मने कहे सर बार मन बात तू करारी हो रणधीर सिंह कहे अच्छी लागे वीर मर्द जो से आपस में अपने घर की एक मीठी सी लड़ाई हाँ। अरे उनने किस ढाल से बातचीत हुई उनकी आपस में अक मैं मार दे घर वासे ने मेरा नहीं समझता काम नहीं आराम वो पिया रहने दे और मर्द कहे के क्यों बिसरावे घर वासे ने कर दूंगा जो अबक तोड़ जिक्र दे छोड़ अरे गोरी रहने दे। सबसे पहला बड़े सवेरे मने उठना रोज पड़े चक्की जो हूँ दूध भी लाऊँ तू मेरे बराबर बता कड़े इतना करती काम फिर भी रोजाना मेरी गाय लड़े मैं के ठाला बैठा सूँ रोज खेत में जाऊँ सूँ डाकर धरती माड़े नारे सारा दिन अड़वाऊँ सूँ एक घड़ी भी ठाला ना मैं नहाण खाण ना पाऊँ सूँ गलगोटी मेरी दमासे ने तू मेरी एक भी दुखी कर राखी से दुखी जान भाई की सूँ मान वो पिया जान दे। दूसरे नंबर में बताओ से वीर चाकी छोड़ के धार काटनी सुनिए जिक्र मेरा अग है चूची देनी आन लाग जा जब छोटा छोरा जाग गए दो घंटे रंग चूल्हा आग गए दसर चून तेरा लाग गए चाकी चूल्हा काम वीर का दुनिया कहती यू के काम गिनावे से बालक से तेरे जमे होगी किस पर शान दिखावे से चाकी चूल्हा वीर काम का दुनिया कहती आवे से मैं करी इसी मैं मार दे इस सेंसे ने मेरी कोन्या करी संभाल हो है बुरा हाल हो पिया जान दे। अगले नंबर में दो दो मन की हेल देख फिर गोबर सिर पैठाना से आठ सात पानी के लग गए वो भी भर के लेना से फुर्सत के बिन भूखी हंडू नहीं टीम पे खाना से अरे मैं के बोझ उठाता कोन्या रोज भरोटा ल्याऊँ सूँ दिन में करके काम रात ने सारा दिन पानी जाके पानी लाऊँ सूँ आधी पाछा आऊँ उस दिन कड़े पंजीरी खाऊँ सूँ के कहना तेरे जैसे जैसे न मैं दुखी कर रखा दिन रात गजब की बात है तो रहने दे। फिर खेत में तेरी खातर रोटी मने पगानी से गर्मी हो जा गाँव का सुता फिर मने ईख नलानी से आठों पैर रह धंधा के आगे और बतानी से दिन में करके काम देख तू सांझ पड़े घर आदे से मैं जड्डा गर्मी बाहर रहूं तू सुखते रात बिता ले से रणधीर सिंह का खोट नहीं तू जिक्र खाम खा ठाले से होड़ कर्म के मसे ने मेरा हो रहा सह दुखी सांस बात या खास रहने दे। ये इसकी आपस की बातचीत थी मर्द और वीर आपस में। इसमें फर्क से उनके पास एक तकड़ा गहना तो होया करता गहने तो आज भी सर उधर भी से गिरकाना कुछ कुड़ा तो उधर भी था आज भी था लेकिन उधर शर्म का गिरकाना था आज बेशर्मी का गिरकाना से जुकर आज जो अगर सरकारी नौकरी लग रहा है
तो पटदनी छोरी का बाबू ने कह दे मन तो गाड़ी चाहिए कहते है मुंह तोड़ कर ये पहला भी नहीं दहेज मांगा करते लोग ना बिल्कुल भी नहीं जो कुछ भी दे दिया वो ये कबूल कर लिया कर दे खुश होकर उसने उठा कर दे जैसे ना तो लड़का सिर्फ देखा कर दे ना लड़की ने देखने का कोई मामला था आज तो लड़की पहला देखे है लड़का वाला लड़का पाछा देखे से ये सिस्टम कोई नहीं थे उस वक्त तो जैसी भी लड़की उसकी हुई लड़का पसंद आ गया तो उसने जाके ना हाथ रुपया दे दिया और सुगन हो गया बस उनकी पहला तो न्यू कहा करो गांव का नाई ये पक्की करेंदा जाएगा रिश्ते हाँ नाई यही सारा काम कराया करता लड़का भी वही देखा करता और जाकर घर बार देख के ना अपने जजमान ने बता देता आ किस तरह अच्छा फलाना काम में एक लड़का सर काका मैं देख के आया सूँ और बेशक उड़े रिश्ता कर दे उस नाई के कहने पे ही वो रिश्ता बनया करता था क्या वो रिश्ते लायक जिंदी दूर है हाँ वो तो खूब लग्या कर दे उस जमाने में जो रिश्ते जुड़े थे नहीं उनमें कोई फर्क लगभग नाई शाणी को मोया कर दी जोड़ी शाही मिलाते उसमें कोई फर्क कुछ नहीं पड़ा करता लोभ लालच कुछ था ही कुछ नहीं पर यू आज का जमाना हमेशा कड़े पेच फंस रहा है तीसरा दिन नए नए किस्से सामने आओ है भाई फलानी चली गई फलानी का तलाक हो गया वो नू हो गया बहुत से ऐसे किस्से आओ है यू के कारण हो रहा था वो आज जमाना में कारण तो यू आज जमाना बदल गया वो जमाना था शर्म का आज कुछ शर्म घट रही है घटने के नाते ही सारे काम होने लग रहे है ना तो पहला जो काम कर देता नहीं आदमी वो करे दिया उसकी वो मान्यता गांव हो या परिवार हो या बगड़ हो वो दे दिया करता था आज तो बेटा बाप की कोई नहीं मानता के लग गई बाप ने इसमें कुछ सुधारा हुआ या इसी प्रकार चल गई हो इसके बारे में के कह सका सा अकया आंधी रेड़ा सा आया था रुआ बढ़ दिए जाने लग रही आंधी बहुत परिवर्तन आ गया जिस दिन तो हम जानकारी में आए थे उस दिन में आज तो बहुत ही फर्क पड़ गया आगे आने वाला मैं भी नहीं लग सकते क्षेत्रिया या गाड़ी चलेंगी तो किरा कितनी दूर जाकर थमेंगी तो दोस्तों आपने अपने गांव पावड़ा से रणधीर ताऊ जी रणधीर के विचार सुने जो अपने जमाने के एक महान कवि थे तो इनके पास इस डायरी में भाई बहुत से ऐसे भजन है जो मैं आपको सारे तो नहीं सुना सकता लेकिन कोशिश करी है कि आप ते भी 10-12 भजन जो ताऊ ने लिख रखे वो पहुँचा है तो ताऊ के भजन सुनकर ताऊ के विचार सुनकर कमेंट सेक्शन में अपने सभ्य शब्द के साथ अपनी राय जरूर रखे अगर ओशक्या तो 10-12 भजन और सुनाने की कोशिश करांगे अगली वीडियो में तो तब तक के लिए बने रहे जय जवान।